नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी ट्रेडर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अभी एनालिसिस करेंगे डेटा के बारे में कि डेटा क्या बना हुआ है FII प्रोब क्लाइंट्स और DII का, और मंडे मार्केट कहां पे ओपन होगा और मार्केट का क्या कंडीशन है। दोस्तों, हमने एक प्रॉमिस किया था कि मैं सैटरडे को वीडियो पोस्ट करूंगा पार्ट थ्री, लेकिन किसी कारणवश मैं पोस्टिंग नहीं कर पाया। मैं एक बार इस वीडियो को जरूर पोस्ट करूंगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ अभी डेटा कि हमें डेटा यहाँ पे क्या बना हुआ है और बड़े प्लेयर का यहाँ पे पोजिशन क्या बना हुआ है, कैसे हमें इसको ट्रैक करना है। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं समरी के तौर पर आता हूँ। जो 3 तारीख का फ्राइडे का डाटा बना हुआ था, क्लाइंट्स यहाँ पर देखे लगभग 10,000 लॉन्ग किया इन्होंने, शॉर्ट क्लोज किया है, तो 28 से सीधा 60,000 ये शॉर्ट में आपको, सॉरी लॉन्ग में आ गए, माफ करिएगा, नहीं, जबरदस्त यहाँ पे बुलिश हो गए हमारे जो है वो क्लाइंट। FII ने लॉन्ग यहाँ पे क्लोज कर लिया, यहाँ पे देखिए शॉर्ट इनिशिएट कर दिया है, जबरदस्त इन्होंने शॉर्ट इनिशिएट कर दिया है। दोस्तों, ये तो आपको 3 तारीख का डाटा था। दोस्तों, मैं 4 का एक बार डाटा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, शायद डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, 4 का, माफ करिएगा इसके लिए दोस्तों, माफी चाहते हैं। अभी डेटा आपने रिकॉर्ड कर दिया, अभी 4 को देखें, यहाँ पोजीशन जो बना हुआ था तो सेम 4 को यहाँ पे 7,000 लगभग इन्होंने फिर से लॉन्ग क्लोज के 7,800 शॉर्ट यहाँ इनिशिएट कर दिया। तो 60,000 से 45,000 इनका अभी भी यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बना हुआ है। नेट बेसिस पे यहाँ पे हमारे FII ने थोड़ा लॉन्ग किया, शॉर्ट थोड़ा सा क्लोज किया, तो ये 40,000 से भी 25,500 पे यहाँ पे आ गए। इन्होंने थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे झेला है कल के लिए, थोड़ा इनको फ्राइडे को नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट करके गए हैं, शॉर्ट इनिशिएट कर गए हैं, यहाँ पे स्लाइटली वो बुलिश हैं। प्रो ने भी थोड़ा लॉन्ग किया, थोड़ा शॉर्ट किया, तो ये नेट बेसिस पर भी यहाँ पे न्यूट्रल पोजिशन इनका बना हुआ है। DII एज यूजुअल इनके पास 18,000 यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन है, इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग क्लोज किया, DII यहाँ पे बेरिस हैं दोस्तों। तो अभी ऑप्शंस का डेटा हम देखेंगे, लेकिन फ्यूचर के डेटा में क्लाइंट हमारे यहाँ पे बुलिश हैं, FII अभी भी यहाँ पे बेरिस हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने लॉन्ग साइड 10,000 पोजिशन इनिशिएट किया है। अब अगर ऑप्शंस की बात करें, 11,73,000 कॉल बाइंग किया गया है क्लाइंट्स द्वारा, 13 लाख यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया गया है, तो नेट बेसिस पे 1,27,000 ज्यादा इन्होंने कॉल की शॉर्ट की, यानी कॉल बेचा उन्होंने, 23,000 से सीधा 1,50,000 यहाँ पे हो गया इनकी कॉल की जो शॉर्टिंग। पुट साइड इन्होंने 14,27,000 पुट की बाइंग की, 13,97,000 पुट की राइटिंग भी, तो यहाँ पे नेट बेसिस पे थोड़ा सा इनकी जो है वो बाइंग ज्यादा हुई, लेकिन अभी भी 5,62,000 से 5,32,000 इनके पास जो है वो पुट की राइटिंग बटी हुई, तो ये बहुत पहले से इनका पोजिशन कैरी करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे इनको नुकसान हो ही रहा है, लेकिन फ्रेश इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए राइटिंग की है, फ्रेश राइटिंग की है कॉल साइड। FII ने क्या किया, 2,15,000 कॉल की बाइंग की, 2,07,000 कॉल की राइटिंग भी की, नेट बेसिस पे इनका यहाँ न्यूट्रल पोजिशन 2,42,000 से 2,50,000। पुट साइड भी इन्होंने आज कुछ नहीं किया, देखिए 3,34,000, 3,37,000 बिल्कुल न्यूट्रल, तो यहाँ पे इनकी पोजिशन यहाँ देखें आप तो न्यूट्रल एज यूजुअल पड़ा हुआ है। अब इसके बाद प्रो ने क्या किया दोस्तों, प्रो 2,91,000 कॉल की बाइंग की, 1,70,000 यहाँ पे राइटिंग किया, तो ये जो मार्केट का डायरेक्शन था उसमें ही बैठते हैं। 1,20,000 उन्होंने लगभग कॉल की बाइंग कर ली, 2,19,000 से सिर्फ 99,000 उनके पास कॉल की बाइंग, कॉल की राइटिंग रह गई, लेकिन नेट बेसिस पे इन्होंने कॉल की बाइंग यहाँ पे की, नेट ये बायर है। पुट साइड इनके पास जो बाइंग पड़ी हुई थी उन्होंने लगभग यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज किया, लेकिन अभी भी इनके पास पुट में बाइंग पड़ी हुई है, देख सकते हैं इन्होंने पूरा पोजिशन क्लोज नहीं किया है दोस्तों, यानी इन्होंने 2,95,000 यहाँ पे लगभग 2,95,000 पुट की बाइंग की, 3,28,000 पुट की राइटिंग की, तो नेट बेसिस पे लगभग 33,000 इन्होंने राइटिंग अपना यानी क्लोज किया, तो ये 96 से आप देखें 63 आ गया, तो नेट बेसिस अभी यहाँ पर डेटा देखें आप, तो अगर आप देखें दोनों साइड राइट में से कहाँ पे यहाँ पे इनकी राइटिंग ज्यादा है, 5 लाख राइटिंग ज्यादा है, तो ये वाली पोजीशन इनका यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे इनकी बाइंग ज्यादा है, ये भी बेयरिश है, ये भी न्यूट्रल नहीं है, ये स्लाइटली बेयरिश है, यहाँ पे इनकी राइटिंग है, तो डेटा बड़े प्लेयर का यहाँ पे जो है वो बायस बेयरिश के तरफ ही है, स्लाइटली मार्केट ऊपर गया है लेकिन यहाँ पे बेयरिश इनका बायस है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखें तो PCR यहाँ पे 87, यहाँ पे न्यूट्रल PCR है, यानी 19,600 इवन कहिए 550 पे यहाँ पे राइटिंग हुई है जो आपको कॉल की, आप देखिए 19,601 जबरदस्त हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट अभी 19,500 के पास है, ये 1,10,000, लेकिन 1,02,000 यहाँ पे भी है, ये भी आपको मार्केट ऊपर जाने से थोड़ा रोकेगा, और 19,600 के ऊपर कोई भी कॉल पुट साइड पोजिशन नहीं बन रहा है, तो मार्केट में अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं, 19,600 मैक्सिमम जा सकता है, इसके ऊपर मार्केट अभी नहीं जाएगा, बाकी नीचे अभी आपको 19,400 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि 400 के नीचे यहाँ पे कॉल राइटर जितने भी पोजिशन वो क्लोज कर रहे हैं, तो अभी 400 का एक सपोर्ट और हमारा 600 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी में दोस्तों। बाकी यहाँ पे देखें
बड़े प्लेयर जो है वो मार्जिन आपको वो यहाँ पे देखें तो लगभग पुट में लिया है इन्होंने, थोड़ी सी मार्जिन यहाँ पे पुट में ली है, यानी इस लगभग 18,800 पे इन्होंने मार्जिन लिया है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा कि वो मार्जिन कहाँ पे ले रहे हैं। अब अगर बात करें आपको बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का भी लगभग सिनेरियो सेम है, 0.78 का यहाँ पे पीसीआर है, ये भी न्यूट्रल है, बड़े प्लेयर थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन इधर कॉल में लिए गए हैं, तो 45,100 के पास ऊपर देखें ये पोजीशन बिल्कुल नहीं है, जबकि यहाँ इन द मनी पोजीशन बनाया गया है आपको 44,700 44,800 पे भी, तो 10 लाख यहाँ पे पोजीशन, 10 लाख यहाँ पे भी, दोनों साइड डेटा यहाँ पे लगभग देखें कि बिल्कुल रेंज बाउंड ही रहा, मार्केट न्यूट्रल रहा। तो ओवरऑल अभी 45,000 आपको ये अभी थोड़ा सा 1,98,000 यहाँ पे 1,30,000 यानी आपको ये रेजिस्टेंस रोकेगा मार्केट को ऊपर जाने से, 45,100 के पास अभी मार्केट नहीं है ऊपर में, क्योंकि यहाँ सारे इन द मनी भी पोजिशन राइटिंग किया गया है। और नीचे में आप देखें तो 44,700 जो है वो आपको सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 22,000 ये फ्रेश पोजिशन गया है, 56,000 यहाँ पे 1,00,000 है, तो दोगुना पोजिशन बना हुआ है, यानी आपको ये रेंज हमारा रहेगा 44,700 के लेके 45,100 का अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का। सेम अगर फिन निफ्टी का देखें तो फिन निफ्टी में भी दोस्तों अगले एक्सपायरी हमारा फिन निफ्टी का होना है, 20,300 का हमारा अभी शॉर्ट कवरिंग पॉइंट देखना है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा मंडे के दिन वैलिड होगा दोस्तों, तो मंडे को देखेंगे कहाँ पे पीसीआर थोड़ा सा 0.80 का न्यूट्रल है, 1,80,000 कॉल साइड, यहाँ पे 2,53,000 पुट साइड, मैक्सिमम पोजिशन 19,900 पे यहाँ पे बनाया गया है, 19,000 पे भी बनाया गया है, लेकिन 20,000 के एक ऊपर यहाँ पोजिशन पूरी क्लोज है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 20,200 20,100 पे भी जबरदस्त कॉल की राइटिंग हो रही है। तो ये हमारा अभी शॉर्ट कवरिंग पॉइंट देखेंगे कि ये हमारा मंडे को क्या हो रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों डेटा यहाँ पे स्लाइटली हमारा जो है बहुत ऊपर के चांसेस नहीं है, न्यूट्रल डेटा है बड़े प्लेयर का। मंडे लाइव मार्केट में मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई यहाँ पे थोड़ा सा कैश में सेल किए हैं फ्राइडे के दिन, नेट बेसिस पे डीआई ने थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग किया है, तो डेटा यहाँ पे कैश का भी न्यूट्रल है, लेकिन नेट बेसिस ओवरऑल अगस्त में देखें मात्र यहाँ पे 2,000 करोड़ का भी सेलिंग है, लेकिन जुलाई जून और मई यहाँ पे देखें पूरे दोस्तों कैश में बाइंग पड़ी है, तो मार्केट अभी इतना ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। अगर ये मार्केट नीचे जाएगा तो कैश में जरूर सेल करेंगे। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर फॉलो करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने कुकी कैसे पेस्ट करते हैं, बड़े मार्केट प्लेयर लाइव में क्या करते हैं, ये सारे कुछ यहाँ पे अपडेट करते हैं, और ये दोस्तों सब कुछ एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट बैच हमारा आपको 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फी है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं कल एक और नया लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया, इसके आधार पर बाय से लिए होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए।